तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा मराजो गाड़ी के बारे में और देखेंगे इसमें जो क्लस्टर मीटर के अंदर शेड्यूल्ड सर्विस ड्यू का जो अलर्ट आता है उसको मैनुअली रीसेट कैसे करना है। तो इसको रीसेट करने के लिए जो हमारे स्टेयरिंग के ऊपर लगे कंट्रोल बटन होते हैं उसमें जो ओके वाला बटन है, ये ओके बटन है, इसी से हमने इसको रीसेट कर सकते हैं। तो इसको रीसेट करने के लिए सबसे पहले हमने इग्निशन को ऑफ कर लेना है और ओके बटन को प्रेस कर लेना है, प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और इग्निशन को ऑन कर लेना है। और जैसे नीडल हमारी ऊपर जाके वापस आती है तो आपने उस ओके वाले बटन को छोड़ देना है। तो आप देखेंगे जो शेड्यूल सर्विस ड्यू का जो अलर्ट आ रहा था क्लस्टर मीटर के अंदर वो हट जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो जहाँ भी अलर्ट नहीं आ रहा है क्लस्टर मीटर के अंदर और इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी नो अलर्ट प्रेजेंट बता रहा है। तो चलिए दोबारा इग्निशन को ऑन ऑफ करके चेक कर लेते हैं। इग्निशन को ऑफ किया और इग्निशन को ऑन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इसमें शेड्यूल सर्विस ड्यू का अलर्ट नहीं आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।